स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों पेश कर रहा हूँ हाइड्रोक्सी जिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों यह सिरप आपको 83 रुपये का किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों यह सिरप दिसंबर 2019 में बनाया गया है तथा इसकी एक्सपायरी डेट है नवंबर 2022 तक। यह सिरप आपको 100 ml के पैक में मिल जाएगा। चलिए इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में जान लें। तो दोस्तों इस सिरप का ब्रांड नेम है एटारेक्स सिरप। चलिए जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में एलर्जी को ठीक करने में करते हैं। पुरानी से पुरानी दाग खाज खुजली हो उसको दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। इस सिरप का प्रयोग शरीर पर सूजन हो, साथ ही साथ खुजली हो रहा हो, उसको दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करते हैं। दवा का रिएक्शन होने पर शरीर पर दाने निकल गया हो उसको दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। चिंता होने पर उसको दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। मौसम चेंज होने के दौरान होने वाले सर्दी खांसी खुजली आदि में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी भी प्रकार का खुजली या एलर्जी हो उसको दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। आइए इस सिरप के डोज के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप को आप अपने बच्चों को उसके वजन के हिसाब से 1 से 2 mg प्रति केजी प्रति डे के हिसाब से दे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। चलिए इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लें। तो दोस्तों यदि आपने अपने बच्चे को ओवरडोज दे दिया हो तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। चक्कर आना, मुंह सूख जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धुंधलापन दिखाई देना, त्वचा का लाल होना आदि की समस्याएं दिखाई दे तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चों में हृदय रोगी समस्या हो, अस्थमा की बीमारी हो, गुर्दे की बीमारी हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, कम दिखाई देता हो आदि की समस्या हो तो इस सिरप का प्रयोग आप अपने बच्चों में ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।